लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। महिला शक्ति ने लगाया विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर। वर्तिका जैन के निर्देशन में हुआ यह सराहनीय कार्यक्रम। 800 लोगों का किया गया नेत्र परीक्षण। इस नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ महापौर नूतन राठौर एवं CMO डॉक्टर SK दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर किया। 4 कुशल नेत्र चिकित्सकों अलका अग्रवाल, डॉक्टर विक्रम सिंह, श्रीमती सीमा जी, श्री कृष्ण जी द्वारा नेत्रों से संबंधित रोगों का परीक्षण किया गया। श्रीमती रजनी शर्मा का भी इसमें सहयोग रहा। फेडरेशन अधिकारी श्रीमती सौम्या चौहान, विवेक माथुर आदि उपस्थित रहे। प्रशासनिक निर्देशिका पूनम गुप्ता ने बताया कि 800 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। वित्त निर्देशिका प्राची अग्रवाल ने बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जल्द तिथि दी जाएगी। साथ ही बताया कि आज का शिविर खुशी अग्रवाल, जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, को भावभीनी श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में रेणु अरोरा, कल्पना राजौरिया के साथ कई संख्या में लोग मौजूद रहे। आपके द्वारा वैसे तो हमारी महिला शक्ति टीम हमेशा ये नेत्र शिविर हर साल लगाती है। उसी के तरह से हमने ये भी एक आज शिविर लगाया है जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें पर्चे से लेकर उनका ऑपरेशन तक सारी चीज़ें निःशुल्क ही दी जा रही हैं और बहुत ही तादाद में लोग हमारे आए हैं और हम सबको चाहते हैं कि उनको सारी जो प्रॉब्लम है उसको हम सही से उनको क्योर कर सकें। इसके लिए हमने ऑपरेशंस, चश्मे, सब चीज़ें उनको फ्री रखी गई हैं। दवाइयां भी यहाँ पर निःशुल्क दी जा रही हैं और हमारी सारी टीम मिलकर ये कार्य करती है जिससे हम इसको पूरी तरीके से निभा पाते हैं। हमारे साथ आज बहुत से लोग, हमारे नूतन जी मेयर आई जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया और हमारी और भी टीम सदस्य हैं जो हमारे लिए सुबह से आई हुई हैं और हमारे साथ कार्य कर रही हैं। सौम्या जी, आपसे कुछ कहना चाहेंगी जी, महिला शक्ति द्वारा किस प्रकार से शिविर लगाया गया नानक चंद को? आज जॉइंट ग्रुप ऑफ रोजावा महिला शक्ति द्वारा एक नेत्र चिकित्सा और नेत्र ऑपरेशन का एक शिविर लगाया गया है जिसमें हम देख रहे हैं काफ़ी तादाद में भारी संख्या में भीड़ यहां पर इकट्ठी है और ख़ासकर से आज मैं इनकी पूरी टीम को, महिला शक्ति की, वर्तिका जी की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ इस अच्छे काम के लिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है गरीबों की सेवा ही सर्वोपरि है, गरीबों की सेवा करके ही परमात्मा की सेवा की जा सकती है। तो आज बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रही हैं वर्तिका जी और उनकी पूरी टीम, सौम्या आंटी है, प्राची जी हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये लोग खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। क्या ये पूरी तरह निःशुल्क है कुछ? जी बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें सभी गरीब जनता हमारी आई है अपना इलाज कराने के लिए, इनके साथ में ऑपरेशन भी होंगे।